हेलो एंड वेलकम यूर टेक बफ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास दो अलग अलग फोटोज हैं और आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे दो फोटोज को एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने ऊपर सर्च करना है पिक्सल लैब, तो आपने यहाँ पर टाइप करना है PIX। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, पिक्सल लैब आ गया है यहाँ पे, तो इस पर टैप कर देंगे। तो ये ऐप है, इसको आपने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ये ऐप फर्स्ट टाइम खुलेगी तो ये आपसे परमिशन मांगेगी, तो आपने इसको अलाउ कर देना है। तो इस तरीके का एक पेज खुलेगा, यहाँ पे सेंटर में न्यू टेक्स्ट लिखा रहा है, तो ये जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ऊपर डिलीट का जो ऑप्शन दिया गया उस पर टैप करके इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन है उस पर आ जाएंगे और ऊपर से कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे से जो है आपने वाइट वाला जो कलर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से टिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वाइट हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो है अपने फ़ोन की गैलरी में से इसमें फ़ोटो ऐड करनी है जो भी आप जोड़ना चाहते हैं। तो ऊपर जो प्लस का बटन दिखाई दे रहा है इस पर टैप करेंगे और यहाँ से फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी फ़ोन की गैलरी खुलेगी। तो यहाँ पे आपने एल्बम्स में आ जाना है और यहाँ से जो भी एल्बम्स होंगी आपकी फ़ोन की उनमें से किसी भी एल्बम में जा करके कोई भी एक जो है फ़ोटो आपने टैप करके सेलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, तो आप इसको अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो इसको जो है आप क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी, तो आप इसको स्क्रीन पे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका साइज़ बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो कॉर्नर से आप इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो जैसे ही इमेज यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद आपने दोबारा से प्लस वाले बटन पे जाना है और एक दूसरी इमेज जो है फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एल्बम्स में आ जाएंगे और यहाँ से हम कोई दूसरी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक दूसरी इमेज है, इसको भी आप जो है क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं दूसरी इमेज भी यहाँ पे आ गई है। इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे आपको जिस तरीके से भी इसको एडजस्ट करना है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको दो फोटो को एक साथ कर लेते हैं यानी कि जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपको सेव का बटन दिखाई देगा, आप इस पर टैप कर देंगे और उसके बाद सेव एज इमेज पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये करेंगे तो इस तरीके का एक पेज खुलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेव टू गैलरी, तो आप इस पर टैप कर देंगे। तो जैसे आप ये कर लेंगे आपको एक दो सेकंड वेट करना है, उसके बाद आप गैलरी खोलेंगे। तो आप एल्बम्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमने जो अभी इमेज बनाई है जो दो इमेजेस जोड़ के यहाँ पर आ गई है। तो आपने सीख लिया है दो फोटोज़ को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।